नए लोग जो आए हैं, WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम किन किन लोगों ने सुना है? WHO नए लोग, डिस्ट्रीब्यूटर लोग हाथ में सुनाइए, उनको तो मालूम नहीं है क्योंकि बहुत बार आपने सुना हुआ है। जिन लोगों ने, दो तीन लोगों ने हाथ किया उनके लिए बेशुमार तालियों हो जाए। मैंने बेशुमार तालियां बोला और इससे बेशुमार तालियां लगता होगा कि दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ये दोनों के बारे में क्यों बताया कि WHO ने ये रिसर्च किया हुआ है कि क्योंकि उन्होंने रिसर्च क्यों किया कि बीमारियां बहुत बढ़ गई। एक जमाना और था जो मैं 45 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो जमाना और था, आज का जमाना और है। पहले जमाना ऐसा था गांव में एक डॉक्टर, आस पास जो बड़ा गांव होता था वही क्लिनिक रहता था, आसपास वाले 10-15 गांव वाले वहीं पर जाते थे और सभी बीमारियों के लिए एक ही डॉक्टर, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, वही गोलियां लाल कलर की, पीले कलर की, ब्लू कलर की, फिर भी सभी लोग ठीक हो जाते थे। आई बात वो 45 साल पहले की बात करता हूं। आज बॉडी में जितने ऑर्गन है, 78 ऑर्गन पर ऑर्गन अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अस्पताल है। ये जमाने में गांव में डॉक्टर था और पहले 25-30 साल पहले बात करें, मैं जयपुर का मुझे मालूम नहीं, मैं अहमदाबाद की बात करूं, किसी भी गांव के डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे हाथ की बात नहीं है, अहमदाबाद ले जाओ, और अहमदाबाद ले गए। इतने बड़े अहमदाबाद में पूछने की जरूरत नहीं है कि उनको कहां ले गए होंगे, वो सिविल अस्पताल में ही आएगा बंदा। और आज हाईवे पर भी अस्पताल, कहीं पर भी देखो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालें हो गए। वाह वाह, एक ही कारण है, ये जो जमीन का पावर है, वीडियो में सर ने बताया, जो हमारे बॉडी से सीधा रिलेशन रखता है, वो आज की तारीख में 100% इंसान को नहीं मिलता है। पावर तो वही आता है, पावर कम नहीं हुआ है, लेकिन इंसान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई। जितने जितने खंभे रहेंगे ना, पृथ्वी का पावर कहाँ जाता है आपको मैं बता दूं, वैसा घर जाके करना पता चल जाएगा कि जमीन का पावर हमसे नहीं मिलता है बल्कि उधर चला जाता है। हर एक के मोबाइल में प्ले स्टोर है और मैग्नेट का जो पावर नापने का मशीन आता है जिसको बोला जाता है गॉसमीटर, वो डाउनलोड कर दो, खंबा होएगा उधर लगाओ तो पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक पावर वो कितना खा जाता है वो बताएगा, क्योंकि खंबे में मैग्नेट नहीं है फिर भी वो मैग्नेट पावर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का पावर खा रहा है। उसके बाद जो बचता है वो इंसान को मिलता है। 30-35% मैग्नेटिक पावर बाहर चला जाता है, 65-70 ही मिलता है। अब जितना मिलता है उतना ही मात्रा में हमारा सर्कुलेशन होएगा, ये तो मानते हो आप, मानते हो ना? सिंगल फेज का लाइन है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस हिसाब से पंखा चलेगा। अगर लाइट फुल है तो उस हिसाब से चलेगा, तो 70% से ज्यादा नहीं होता है। और इसके लिए आज की तारीख में उड़े नाव अब तक कोई ऐसी गोली या तो कोई ऐसा इंजेक्शन या तो कोई ऐसी मोटर नहीं है, लगाया और आपका सर्कुलेशन 100% क्योर हो गया। उसके तो आज की तारीख में एक ही ऐसा नेचुरल बायोमेग्नेट का प्रोडक्ट है, ओनली एंड ओनली ई बायोलोरियम, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को 100% क्योर करता है। और जब 100% क्योर होता है ऑक्सीजन लेवल अपने आप मेंटेन रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप जब लेते हो ना तो पूरे बॉडी में कभी नहीं जाता, उसका स्टोरेज, उसकी दुकान, उसका ऑफिस या उसका गोडाउन फेफड़े तक ही है, इससे आगे वो नहीं जाता। इधर से जाने का रास्ता अलग है, इधर से और हार्ट दोनों के बीच में रास्ता है, और हार्ट
तब जाता है वहां लॉक लगा हुआ है। हार्ट जब पंपिंग करता है, जब सर ने बताया एक मिनट में 75 to 80 टाइम वो पंपिंग करता है, दबकता है, जो हम यहां पर रात को उल्टा सो और हाथ रखोगे तो पता चलेगा क्या चालू है, अगर बंद है तो समझ जाना। समझ गया? 80 से कम बार हो जाता है ना तो भी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो जितनी बार एक पंपिंग करता है, एक बार पंपिंग करता है, 75 मिली ब्लड छोड़ता है और उसी वक्त एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो जो वैक्यूम ओपन होता है, इधर से ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर चला जाता है और वो टोटल ब्लड ऑक्सीजन वाला हो जाता है, दैट मींस ऑक्सीनेटेड ब्लड। और वही चीज पूरे ऑर्गन को चाहिए। अगर जितने ऑर्गन है 78 हरेक को उसकी मात्रा में अगर एक ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाता है, उसी ऑर्गन पर कभी भी बीमारी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। राइट? एक एग्जांपल देता हूं, आज की तारीख में एक घर घर का प्रॉब्लम है, कोई 40 साल में बदलवा दे, चेंज करवा देते हैं, 50 साल 60 साल होता है कि नहीं, लेकिन उसका स्टार्टिंग कहां से होता है? शुरुआत में पेन होता है और कुछ नहीं होता है, होता है शुरुआत में थोड़ा सा दुखता है और कोई माइका लाल थोड़ा सा दुखता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, सबसे पहले वो खुद डॉक्टर बनता है, घर का इलाज करता है, या तो मूव लगाएगा, या तो विक्स लगाएगा, बाम लगाएगा, कोई कॉइल लगाएगा, फिर भी वो पेन अगर बंद नहीं होता है तो ही डॉक्टर के पास जाता है, उसके अलावा नहीं जाता। ये बोलने से पहले क्षमा चाहता हूं अगर कोई डॉक्टर यहां पर बैठा है तो, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है वो बिंदास में बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम है लोगों के साथ लोगों को मैसेज पहुंचाना, अवेयरनेस लाना, वही मेरा काम है। राइट? अभी दुखता है तो आप जाएंगे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास, उनको मालूम ही रहता है, फिर भी जो उनका प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर में आपको पास होना पड़ता है। जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तब डॉक्टर सबसे पहले एक महीना का कोर्स लिख देता है आपको गोलियों का, कि बहन ये गोलियां लेना, अगर एक महीना ये गोलियां लेने के बावजूद भी अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आना, ये उनका लास्ट वर्ड रहता है और उनको मालूम ही है कि इनको आना ही है। समझ में आया? गए घर पे, आपने खाना शुरू कर दिया गोलियां, जैसे ही गोली खाते हो पेट गायब हो जाता है, बंद हो जाता है और आप जो भी वर्क करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अगर बहने होती है, हाउस वाइफ होती है तो घर का काम करती है, वो उनका काम रनिंग हो जाता है। अब पुराने जमाने में घर घर में झूला रहता था, गुजराती में हमें लोग हिचको कहिए, गुजराती जो राइट, वो झूला रहता था, आज भी है, ऐसे इधर लोहे के कड़े होते थे, लोहे का सलिया और वो जो लकड़ी की पाट, उस पर भी चारों ओर कड़ा और उसमें वो फिट हो जाता, चलता था। जैसे आपको यहां पर पेन हुआ ना, वैसे उनको भी पेन होता था तो वो आवाज करता था, वो बोलता है कि मेरे को कॉइल दो वरना तकलीफ होएगी, तब तक मैं बंद नहीं होऊंगा। समझ में आया? जैसे ये भी बोलता था, लेकिन आपने ऑयल नहीं दिया, आपने कुछ और दिया, पेन वही का वही है लेकिन आपको फीलिंग नहीं आ रही, क्यों? कि कुदरत ने जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम दिया हुआ है, हमारा मैसेजिंग सिस्टम है, जो हमें फीलिंग आता है वो सिस्टम में से जो उसका तार है जहां पेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो पेन किलर की गोली उसको काट देता है, इसीलिए आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रही और आप वर्क करते रहते हो। अब इधर ऑयल नहीं है लेकिन दुखावा नहीं है, पेन नहीं है तो आप वर्क कर रहे हो, तो बट नेचुरल उधर घसारा आएगा। जैसे इधर ऑयल नहीं लगाओगी और घर जाके ट्राई कर लेना, 6 महीना होएगा, 12 महीना होएगा,
वो लोहा है, वो लोहे का कड़ा है, फिर भी उसमें इतना गैप आ जाएगा, वो सलिया भी घिसाएगा और वो कड़ा भी घिसाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर क्या तकलीफ होगी आपको? ये तो हड्डियों का बना हुआ है, ये लोहे का नहीं है। जब गोलियां बंद कर देते हो, पेन जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले ऐसे ऐसे गए थे, फिर ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा आइए वेलकम, जरूरत है उसको, ये पहले 1000 रुपये में निपटा, अभी 2.5 लाख लेना है। आप बोलेंगे सर अभी ज्यादा प्रॉब्लम है, कैसा है गोलियां मत लो, अभी एक्सरे निकलवाओ। एक्सरे निकलवाएगा तो ऐसी लाइन में दिखाएगा, देखो बहन जी जगह पड़ गई है, जगह ही पड़ेगी तो क्योंकि दवाई ऐसी थी तो क्या होगा, जगह पड़ गई तो हम पूछेंगे इलाज क्या, कोई बात नहीं, जैसे 10,000 का मोबाइल चेंज करवा दो, 2.5 लाख में भी चेंज करवा दो मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ जो काटेगा वो तो अपना ही पैर को, और जब एक ऑपरेशन होता है ना, बॉडी की आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये आधी बॉडी नहीं गंवानी और पैसा भी बचाना है, और नाइट टाइम अगर ये प्रोडक्ट यूज किया होता आपने, या तो करोगे तो इधर खाली ओनली एंड ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो गया है, सर्कुलेशन कम हुआ है। अगर यही मैग्नेट पर सोओगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन 100% क्योर होएगा, ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा। डॉक्टर की दवाइयां महीना भर खाई, शायद इसको 1.5 महीना लगेगा, लेकिन जिंदगी में नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। किसी का किडनी फेल हो गया, रिपोर्ट आया कि भाई फलाना फला भाई शांति लाल का किडनी फेल हो गया। आप ये मानते हो कि रिपोर्ट आया उसी दिन फेल हुआ है? नो, उसका कार्यक्रम 3-4 साल 5 साल पहले शुरू हो गया था। कब हो गया था? क्योंकि हमारा जो खुराक है, हम दाल चावल रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, लेकिन इनसाइड जो ऑर्गन है 78, उसका वो खुराक नहीं है, उसको ओनली एंड ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो मिल गया तो वो बादशाह बन जाएगा। मैं किडनी का एग्जाम्पल देता हूं, हमारी किडनी को सुरक्षित रहने के लिए, मतलब वो भी वर्क करती है, फिल्टर है हमारी बॉडी का, कचरा साफ करती है, राइट? तो उसको भी वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, ताकत तो चाहिए, जैसे मुझे भी यहां पर खड़ा रहना है तो ताकत तो चाहिए, ताकत नहीं है तो मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा, राइट? तो उसको ऑक्सीजनेटेड पर डे एग्जाम्पल देता हूं कि 150 मिली चाहिए, वो किसके पास मांगेगा? मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, साइंटिफिकली लैंग्वेज में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में जैसे सीधा डायरेक्ट आपके दिमाग और दिल में घुस जाए उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, वो किसके पास मांगेगा? हम रहते हैं कोई अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, हमारे घर पानी नहीं आता तो हम कहां से मांगते हैं? चेयरमैन को बोलते हैं कि भाई हमारे घर पानी नहीं आता, क्या हुआ? वैसे ये हार्ट के पास मांगता है, क्योंकि पंपिंग कौन करता है? हार्ट करता है। हमारी बॉडी में जो आयरन है 100% नेगेटिवली चार्ज, और पृथ्वी का पावर भी नेगेटिवली चार्ज, वो दोनों को बीच दोनों मैग्नेटिज्म अपाकर्षण होता है, क्योंकि समान ध्रुव जो होता है वो कभी चिपकते नहीं है, एट्रैक्शन में नहीं आते हैं, दोनों के बीच एक धक्का लगता है, उधर ये धक्का लगता है, इधर जमीन के पावर से हार्ट पंपिंग करता है, उसके जरिए हमारी बॉडी में 101% 24 आवर्स ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। तो किडनी बोलता है हार्ट को कि चेयरमैन साहब 150 मिली ब्लड छोड़ना आज की तारीख में। तब हार्ट बोलता है, हमारा हार्ट किडनी को बोलता है कि भाई तेरे को 150 चाहिए, तेरे को दूंगा, लेकिन 150 ml नहीं दूंगा, खाली 100 ml दूंगा। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी में तेरे अलावा 77 लोग भी और लोग रहते हैं और मुझे उनको भी देना है। ध्यान से सुनिए,
मुझे उनको भी देना है और फोर्स कम है। जैसे सोसाइटी में एक घंटा पानी आता है हर रोज, अगर फोर्स कम हो जाएगा ट्यूबवेल में, जैसे बोर बोलते हैं, बोरी बोलते, बोर में पानी कम हो गया, नीचे चला गया, तो चेयरमैन बोर्ड लगाएगा कि उनके जरिए कि भाई कल से एक घंटा नहीं 35 मिनट या 40 मिनट ही पानी मिलेगा। वैसे हार्ट भी यही बोलता है कि भाई फोर्स कम है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये मना भी नहीं कर सकता, वो काम चालू रहता है। जैसे भाई कैमरा चला रहे हैं, उनको रोज 6 रोटियां चाहिए, बीवी बोलती है साल भर गेहूं चलाना है, इतना नहीं है, अब 4 ही रोटी मिलेगी रोज, मतलब एक दिन की 2, तो एक साल में कितनी होती है और 5 साल में कितनी, तो भाई साहब की एनर्जी कितनी कम होगी। वैसे किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है और धीरे 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 वहां डिसीज पैदा होता है और 5 साल के बाद किडनी हर हमेशा काम करने के लिए बंद कर देती है। उसके बाद रिपोर्ट आता है कि भाई साहब का किडनी फेल हो गया। अगर इधर भी सेम, जैसे मैंने यहां का एग्जाम्पल दिया, उसी वक्त अगर ये प्रोडक्ट यूज किया होता, ये ले लिया होता, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको 150 एमएल चाहिए, हार्ट मर्दानगी से बोलता 150 चाहिए, 170 देता, करते रहो तुम दमाके होके काम करते रहो, तेरा जो फिल्टर होने का काम करता है तो अप टू डेट है, तेरे को जितना चाहिए उससे मैं ज्यादा लेता हूं, ये बोल सकता है। समझ में आया, समझ में आया मेरी बात? ये बॉडी हमारी वर्क इसी तरीके से करती है, लेकिन ये दो चीजों की जो कमी आती है ना, वहीं से डिसीज पैदा शुरू हो जाते हैं और डिसीज एक दिन में बाहर नहीं आते, किसी को एक साल लगता है। क्या हार्ट बंद हो गया? हार्ट बंद होने की वजह तो यही है सर्कुलेशन की। अगर पैरालिसिस हो गया, वजह तो यही हो सकती है, कोमा में चला गया, सर्कुलेशन का ही प्रॉब्लम आएगा। देखो दोस्तों, आयु हम नहीं देख सकते, आयु किसी की लंबी हम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 चीज ऐसी है दोस्तों, वो कुदरत के हाथ में है, आपका जन्म, आपकी मौत और आपकी शादी, ये 3 चीज तकदीर से होते हैं। अगर कोई मायका लाल बोलता है कि नहीं ये गलत है, मैं उसे नहीं मानता। ऐसा शूट बूट ऐसा बग बग बांधते या रोड पर 24 महीना खड़ा रहोगा ना, अगर तकदीर में नहीं लिखा होगा ना, तो मेरे नसीब में नहीं आएगी, लेकिन कोई अप्सरा सारा झाड़ू वाला लेकर चला जाएगा।